राममय अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और जिस तरीके से ये कार्यक्रम होने वाला है पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी है और सबसे ज्यादा उत्कंठा लोगों के मन में ये है कि भक्त तो आ रहे हैं लेकिन रामलला के लिए क्या क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। पूरी व्यवस्था को आप लोगों ने संभाल रखा है लेकिन हर कोई जो मिलता हमसे पूछता है कि रामलला के लिए गिफ्ट क्या क्या आ रहे हैं क्योंकि तमाम तस्वीरें हम दिखा चुके हैं, तो अब तक का अपडेट क्या है, कहां से क्या आ रहा है रामलला के लिए? भारत के कोने कोने से आ रहा है और विश्व के कई देशों से आ रहा है। आपने दिखाया अभी तक कि कहीं नेपाल से भार आ रहा है, कहीं सीतामढ़ी से आ रहा है और आज सुबह कश्मीर से केसर आई है भगवान राम के चरणों में समर्पित करने के लिए। लगभग कितनी आई होगी? एक डब्बा भरकर है, उनके वजन का अनुमान नहीं है लेकिन उनकी भावना तो सब लोग समझ सकते हैं। तमिलनाडु, जहां से सनातन को समाप्त करने के षड्यंत्र कुछ राजनेता रच रहे हैं, वहां तमिलनाडु से एक बहुत उत्तम शॉल भगवान राम के लिए आई है जिसको 10 लोगों ने मिलकर लगातार 10 दिन में बुनकर तैयार किया था। भगवान राम के चरणों में अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी का जल भी आया है। हमें लगता था कि राम ने देश के कोने कोने को जोड़ा है, सब तरफ से कुछ ना कुछ आ रहा है, सभी पवित्र नदियों के जल आए हैं, सभी तीर्थों की मिट्टियां आ चुकी हैं पहले, लेकिन अब तो लग रहा है पूरी दुनिया भी राम के चरणों में समर्पित हो गई है। राम ने पहले भारत को जोड़ा था, अब पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। भगवान विष्णु की बात करें तो उनको तुलसी प्रिय है, क्या तुलसी भी कहीं से आ रही है? तुलसी तो यहां पर होती ही है और सब तरफ से जो सामान आ रहा है उसमें तुलसी भी होगी ही। यानी कि ये चीज है कि जिस स्टेट में जो चीज वहां की प्रमुख है वो लगभग पूरे भारत से आई, हर राज्य से आई। जब मैं बता रहा हूं हर पवित्र नदी और सरोवर का जल आया है, यहां पर हर पवित्र तीर्थ स्थल की मिट्टी आई है और इस तरह की जो भेंट तरह तरह के लोगों ने, आपने देखा यहाँ 108 फुट की धूप बत्ती आ रही है, वो राजस्थान से बनकर आ रही है। राजस्थान के लोगों ने कितनी बड़ी मात्रा में घी, देसी गाय का बहुत बढ़िया शुद्ध घी, और मैं आपसे भी चाहूंगा आप यहाँ के भोजनालय में भोजन जरूर करें, उस घी का आनंद लें जो उन लोगों ने भेजा है। तो कोई घी भेज रहा है, कोई कुछ और भेज रहा है और हर व्यक्ति ये चाहता है हम राम के चरणों में समर्पित। लेकिन जितनी बड़ी मात्रा में समर्पण आ रहा है वो सारा समर्पण भगवान तक एक दिन में पहुंच जाए ये तो संभव नहीं है, तो यानी कि जो भी चीजें आई हैं धीरे धीरे भगवान को अर्पित होती रहेंगी, लगातार आती रहेंगी। मेरे से स्वयं देश के कई लोगों ने कहा कि हम ये चीज भेजना चाहते हैं, उन सबको मैंने निवेदन किया अब 22 के बाद, क्योंकि अब प्रवेश होना भी मुश्किल है साधनों का, इसलिए निरंतर प्रक्रिया चलने वाली है और लोग अपने जीवन को धन्य समझेंगे राम के चरणों में अपनी श्रद्धा का एक पुष्प भी अर्पित करने में। आपने कहा कि आपको ऐसा लगता है, आपके विश्व हिंदू परिषद को ऐसा लगता है कि राम ने केवल देश को नहीं पूरे विश्व को आपस में जोड़ दिया है, तो ये जो पूरी वैश्विक यात्रा है राम के प्रभाव की, और एक दौर ऐसा भी रहा कि राम को लेकर अगर आपने राम का नाम लिया तो आप सांप्रदायिक घोषित हो जाते थे, ये परिवर्तन कितना आपके लिए सुखद है? ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की सेकुलर राजनीति ने अपने स्वार्थों के चलते राम को कहीं पीछे धकेल दिया था। आज रामत्व आगे आ रहा है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में केंद्र बिंदु बन चुका है और मुझे अब साफ दिखाई दे रहा है कि राम की जो दुरावस्था इन लोगों ने कर दी थी, आज राम का जो तत्व है वो इतिहास के खंडहरों से निकलकर और विजय के सिंह द्वार पर आकर खड़ा हो गया है और आने वाले समय में पूरी दुनिया राममयी होने वाली है, यही विश्व का भविष्य है। और शायद ये परिभाषा सबसे बेहतर होगी कि राम को सभी ने मान लिया है कि आराध्य हैं, सभी उनके तोहफे भेज रहे हैं, और चाहे किसी भी मत पंथ के हों, चाहे किसी भी देश के हों, चाहे किसी भी संस्कृति के हों, हर संस्कृति का व्यक्ति राम से जुड़ाव महसूस करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बिल्कुल, और रामलला के लिए अभी भी तोहफों की बरसात हो रही है। मनोज के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़ अयोध्या।